जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पार्ट थर्ड का बीएससी का, इससे पहले बीकॉम का रिजल्ट आ गया था और यहाँ पे आपका बीएससी का रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया गया है। आप जाकर यहाँ पर आराम से देख सकते हो। यहाँ पर आप ईयर 2022 चूज करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर रेगुलर रहने दोगे और फिर यहाँ देखोगे तो बीएससी पार्ट थर्ड भी ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो बीकॉम के बाद बीएससी का रिजल्ट आने में लगभग 6 से 7 दिन आपके लग गए टोटल, क्योंकि बीकॉम का बहुत जल्दी 2-3 को चलाया, मतलब कि बहुत जल्दी चलाया था आपको 26-27 को, और बीएससी का 6 से 7 दिन के बाद आया। तो बीए का भी सबसे अधिक बच्चे बीए में होते तो उनका आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो 2 से 3 दिन के अंदर में आ जाए, या फिर हो सके तो कहीं कहीं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी काफ़ी फास्ट है, हो सके तो कहीं 2-10 मिनट के अंदर दे दे। तो आप लोग जब आएगा मैं अपडेट दे दूंगा, चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो मैं दे दूंगा। फिलहाल बीएससी का बीकॉम का आ चुका है, बीएससी का आ चुका है, अपना रिजल्ट का चेक कर लीजिए। यहाँ रोल नंबर डालिए, यहाँ पर अपना मदर नेम डालिए और 100 मार्क्स पर कीजिए, आपका रिजल्ट खुल के आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।